आज डेलकैम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना और मशीन में प्रोग्राम बना के डालना, दोनों चीज बताएंगे और ध्यान लगा के देखना एक एक पॉइंट को बारीकी से, और ये आपको एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेलकैम सॉफ्टवेयर ओपन करो, डेलकैम सॉफ्टवेयर ओपन कर दो, अरे पहले ओपन करके रख लेते इसको। चलो जब तक मैं यहाँ लगा दो, डेलकैम सॉफ्टवेयर में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप जाओ फाइल में, देखो फाइल लिखा है। अब फाइल में जाके आपको क्या करना है, मॉडल को इंपोर्ट करना है। क्यों, हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर में कोई भी मॉडल कहीं बनाया हुआ है उस मॉडल को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि पहले कैड में वो ड्राइंग बनी होगी, उस जिस ड्राइंग का हमें प्रोग्राम बनाना है वो ड्राइंग। तो अब आप पहले, मैं थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा फिर प्रैक्टिकल चालू करेंगे। आ जाओ, डेलकैम का मतलब क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि ये हमारे पास एक प्रोफाइल है, ये हमारे पास एक ड्राइंग है और इस ड्राइंग में हमको ये प्रोफाइल क्रिएट करना है। हम इसे चाहें तो मैनुअल से भी कर सकते हैं और डेलकैम सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं, मैनुअल भी और कैड कैम सॉफ्टवेयर भी, दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। तो अब मैं पहले डेलकैम सॉफ्टवेयर पे आपको बता देता हूँ कि ये हमारा जो अंदर का साइज है वो कितना है, 50, और ये 50x50 का है, और यहाँ हम कटर चलाएंगे, ये तो एंड मिल चलाएंगे, और जो एंड मिल का साइज होगा वो होगा डाया 8। तो डेलकैम सॉफ्टवेयर से, डेलकैम सॉफ्टवेयर काम क्या करता है, डेलकैम सॉफ्टवेयर एनसी प्रोग्राम जनरेट करता है। जो प्रोग्राम आप मैनुअल बनाते हैं वही प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बनता है, ठीक है। अब मैं इसका प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ये ड्राइंग हम लेंगे, ड्राइंग हमने ऑटोकैड में बना ली। इस ड्राइंग में हमको, ड्राइंग बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको डेलकैम में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ये हमारी ड्राइंग है, स्केच है। तो यहां पे हमने वर्क प्ले, अब देखो यहां पे हमारा 0 0 है और ये लो, इधर एक्स प्लस, इधर एक्स माइनस, वाई प्लस, वाई माइनस। इसका नाम डेलकैम में रखा गया है, बीएमसी में हम क्या कहते हैं, जॉब ओरिजिन, वर्क कोऑर्डिनेट, बीएमसी में क्या कहते हैं, और डेलकैम में क्या कहेंगे, बोलो। अरे नहीं, वर्क प्लेन। डेलकैम में इसका नाम क्या है, वर्क प्लेन, और बीएमसी में इसका नाम क्या है, वर्क कोऑर्डिनेट, एक ही बात है। अब यहां से हमारी जो भी डायमेंशंस हम लेंगे, तो हम डायमेंशंस वर्क प्लेन यहां भी लगा सकते हैं, वर्क प्लेन यहां लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमको कहां लगाना है। तो हमें, हमने क्या किया, ये पीस लिया टोटल, और इस पीस की हाइट कितनी ली है, 100, बोलते जाओ, और लेंथ कितनी ली है, अरे 100 है, 110। ये 110x100 की प्लेट है जिसमें हमको ये प्रोफाइल बनाना है, ये गैलरी बनानी है, इसको कहते हैं प्रोफाइल। क्या कहेंगे इसको, कोई भी स्टूडेंट, 0 से 0 स्टूडेंट भी सीख सकता है, डेलकैम से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो, कैम सॉफ्टवेयर कोई भी चला सकता है, आप ये ना सोचे कि मैं 10वीं पास हूं, मैं 12वीं हूं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इसको सीख सकता है, भैंस चराता भी सीख जाएगा, 1 2 3 ABCD और जोड़ बाकी गुणा भाग, ये तीन चीज उसको आती है। बोलो, क्योंकि मैंने डिप्लोमा बीटेक भी देखे, कुछ नहीं है उनको भी, करके तो आ गए, पर मामला वही है, मैं इससे तो 10वीं और तुम में अंतर क्या है। बोलो, अब इसमें चालू करते हैं, पहले हम कैड में ड्राइंग बना ली,
और इसका प्रोग्राम हम चाहते तो वैसे भी जनरेट कर लेते मैनुअल में भी, लेकिन अब हम इसे कैम सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, नहीं तो मैनुअल में भी बन जाएगा, इसमें कौन सी दिक्कत है? बोलो, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको है उनको है, हमारे स्टूडेंटों को कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, अब हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। यही प्रोफाइल पहले हम डेल कैम सॉफ्टवेयर में ले लेते हैं। तो कैम लेने के लिए मैं आपको बता दूं, फाइल ओपन कर ली, फाइल में जाओ, इंपोर्ट मॉडल लिखा है, देखो गौर से देखो, दिख रहा है, खोल दो। अब ये मॉडल आपका कहां है? ये देखो V1.2, ये मॉडल आपका है। अब आप देखो यहां पे नीचे लिखा IGES, क्या लिखा है? अगर आप IGES लिखा है, अगर आप डेलकैम का ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हो और डेल में इंपोर्ट करना चाहते हो तो नोट कर लो, .dwg में ऑटोकैड में प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट सेव होता है, उसकी डाटा फाइल क्या है? .dwg ऑटोकैड की। अगर उसको डेलकैम में लेना है तो सेव या सेव एज में नहीं करना, उसको कहां में सेव करेंगे? एक्सपोर्ट में। हम सेव कहां करेंगे? अगर हमको, सुन लो, अगर हमें किसी एक सॉफ्टवेयर से ड्राइंग को दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाना है तो हमेशा सेव करने का तरीका चेंज करना चाहिए, उसको सेव एज या सेव में सेव नहीं करेंगे, कहां सेव करेंगे? एक्सपोर्ट में। हम ऑटोकैड में ड्राइंग बना के अगली क्लास करेंगे जिसमें ऑटोकैड में ड्राइंग बनाएंगे और उसे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे ये भी बताएंगे। बोलो, बात समझ में आई? कहां सेव करोगे इसको? ऑटोकैड में बनाओगे जब? एक्सपोर्ट। और अगर वो फाइल जब एक्सपोर्ट में सेव करेंगे तो वो फाइल का फोल्डर मांगेगा कि किस में सेव कर रहे हो, फाइल का डाटा फाइल मांगेगा, टाइप मांगेगा कि किस में सेव कर रहे हो। सबका अपना अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो आपने किस में सेव करना है? एक्सपोर्ट में जाके IGES .IEGS या IEGS, देखो आपका दिख रहा है यहां पे IGES फाइल लिखा है ना, तो IGES आपके पास ऑप्शन आएगा। देखो IGES लिखा है, IGES में हमको क्या करना है? वो सेव करना है, और सेव करके तब हम डेलकैम में इसको खोल सकते हैं, नहीं तो डेलकैम में इसको ओपन नहीं कर सकते। हमारे CNC BMC प्रोग्रामिंग के साथ डेलकैम ऑटोकैड फ्री है। बोलो, फ्री चल रहा है ना? बताओ, किसी ने पुराने को छोड़ के आप पैसे दिए हो? किसी ने? बोलो क्यों जी? अब इसमें आ जाओ, खोल लो इसको, रुक जाओ, अभी जो है ना यहां पे क्लिक करो बेटा, यहां पे देखो, ये आपके सभी फाइल्स हैं, देख रहे हो आप? तो हमें कहां पे कौन सी फाइल चाहिए थी? IGES है ना, तो हमारा ऑलरेडी IGES में टेंस, हटाओ और ओपन कर दो, नहीं ऑल फाइल नहीं, IGES में ऑल फाइल कर दिया था क्या? चलो कोई बात नहीं, आ गया। अब इसको हमने खोल लिया, देखो ये आ गया आपका। अब इसको हमें पहले, अब मैं बता देता हूं कि ये वाली जो बार है, दिख रही है ना, ये जो है ना एक्सप्लोरर टूल बार कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरर टूल बार। अब कहते हैं टूल और बार, मतलब टूल की बार, और बार कहते हैं छड़ी जैसे कोई चीज हो लंबी, ऐसे उसमें डिफरेंट चीजें हो, फंक्शंस हो। दूसरा ये व्यूइंग टूल बार, व्यू, अब इसे हमें देखना चाहते हैं कौन से व्यू में देखना है, 2D में, आइसोमेट्रिक में, 2D में, 3D में, तो आप व्यूइंग टूल बार के थ्रू इसको देखेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके दिखाते चले, सबसे पहले यहां पे दबाओ, यहां पे क्लिक करो, क्लिक कर दो,
ठीक है, जब भी आपकी ड्राइंग इधर उधर भाग जाए, नए स्टूडेंटों को बता रहा हूँ, जब भी इधर उधर भाग जाए तो यहाँ पे देखो कर्सर है ना, यहाँ टॉप, यहाँ पे एक बार क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी लाइन पे। और इसको क्या कहते हैं, डब्ल्यू सी एस, पूरा फुल फॉर्म बताओ, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, पूरे वर्ल्ड माने संसार का, डब्ल्यू सी एस। ठीक है, अब एक एक चल के व्यू चेक करते हैं। पहले ये क्या लिखा है, पहले पढ़ो, व्यू फ्रॉम टॉप, टॉप में क्लिक करो, व्यू फ्रॉम टॉप एक कर दो, कोई भी ये कर दो, तो ये तो है ही, टॉप तो है ही ये। अब आओ सेकंड, व्यू फ्रॉम राइट क्लिक करो, अब ये राइट साइड से व्यू दिखाई, ऐसा व्यू दिखाई देगा, राइट साइड से देखेंगे तो ये 2D व्यूज हैं, कौन से हैं, ऑर्थोग्राफिक 2D व्यूज। आगे चलो, व्यू फ्रॉम फ्रंट करो, ये फ्रंट का व्यू दिखाई दे रहा है। कभी भी इधर उधर ड्राइंग भाग जाए तो डरना नहीं है, यहां पर जाके सेट कर लो। कहीं होता ना यार, हमने तो ऐसी चौड़ी सी बनाई थी, लंबाई चौड़ाई पूरी थी और ये छोटी सी कैसे है गई, तो अब यहां जाके सेट कर लो। कई बार होता है ना कन्फ्यूजन, यार हमने तो ड्राइंग बनाई थी बड़ी सी थी वो, और ये छोटी सी कैसे नजर आ रही है। आगे चलो, आगे क्या है, ये आइसोमेट्रिक। अब आप पहले टॉप पे कर दो, टॉप पे कर दिया जैसी थी, अब आइसोमेट्रिक में आ जाओ। ये आइसोमेट्रिक, आइसो माने 3D, आइसोमेट्रिक माने 3D। आइसोमेट्रिक में ऑप्शन क्या, चार है, 1, 2, 3, 4। लाओ पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन पे क्या लिखा है, आइसो वन करो, यार आइसो वन आ गया, आइसोमेट्रिक वन ही आपने रखना। आओ जी, आ जाओ, डेल कैम चल रही है, आ जाओ, और बुलाना आते दो चार, यही थे। ठीक है, आगे चलो, अभी ये जो है ना फ्रेम, वायर फ्रेम दिखाई दे रहा है ना, आगे चलो, आइसोमेट्रिक हो गया, इससे अब नीचे आओ। अब आइसोमेट्रिक में देखो चारों को चेक करो, दोबारा क्लिक करो, हाँ लाओ, आइसोमेट्रिक 2, ठीक है, आइसोमेट्रिक 3 और आइसोमेट्रिक 4। अब आइसोमेट्रिक हमको क्या रखना है, 1, आइसोमेट्रिक 1 पर जाओ, 1। अब हम जो भी करेंगे इसे आइसोमेट्रिक करके अब इसको चालू करेंगे, आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करके है? बल्ब बंद कर दो, ठीक है, इसके नीचे आओ, इसके नीचे क्या है, ये प्रीवियस व्यू, ये प्रीवियस व्यू, कोई बात नहीं, आगे चलो, ये रिफ्रेश, रिफ्रेश कर दो, ठीक है, आगे चलो, और आगे ये क्या है, रिसाइज टू फिट, आगे चलो, ये है जूम टू बॉक्स, छोड़ दो, आगे चलो, यहां आगे। अब ये हमारा क्या है, प्लेन सैडेड, अब इसको देखना है हमें, सैडेड देखना है, तो सैडेड देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग शेड में देखने के लिए, जैसे आप कौन सा यूज कर रहे हो ज्यादातर, इसी को यहां पे आ जाओ, आगे, ठीक है। अब ये आपको सॉलिड में दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, सॉलिड में दिखाई दे रहा है, बोलो, इसको अब इसमें हमें क्या लगाना है, हट गया, दोबारा लाओ, फिर करो, हाँ करो करो, हाँ यहां लाके करो, हाँ सॉलिड में आ गया, ठीक है ना। अब वायर फ्रेम में करो, ठीक है, अब इसमें नीचे, अब हमारा यहां पे क्या है, सॉलिड कर दो इसको, सॉलिड कर दिया, अब वायर फ्रेम में, अब हमें जैसे चाहे वैसे आप कर लो। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमने लिया है, जो हमने ड्राइंग ली, तो ड्राइंग में सबसे पहले ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे, तो ब्लॉक कहाँ है, ये रहा, अब यहाँ पे जाना है ब्लॉक, ब्लॉक कैलकुलेट का मतलब है कि अब ये सॉफ्टवेयर कहेगा कि डायमेंशन क्या है, उनको क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा, क्या करेगा, तो कैलकुलेट करने के लिए आप ब्लॉक कैलकुलेट पे क्लिक कर दो। ये कह रहा है ब्लॉक कैलकुलेट आ गया, जो ब्लॉक है पूरा, इस ब्लॉक में लिमिट्स दिए मिनिमम मैक्सिमम, अभी देखो सब जीरो आ रही है, बोलो
जीरो आ रही है ना, हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट पर जाओ और एक्सेप्ट करो, ये वैल्यू आ गई, देखो आ गई ना, आ रही है नहीं आ रही, हर पॉइंट का वैल्यू आ रहा है। अब हमें लेंथ कितनी है टोटल, हाइट 30, 110 बाई 100 बाई 30, ये जो ब्लॉक है जिसकी ये कितनी है 30, तो 110 बाई 100 बाई 30। अब ये हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए एक्सेप्ट कर दो आगे डायमेंशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे वर्क प्लेन। अगला स्टेप क्या है, वर्क प्लेन कैसे लगाएंगे, अब आप ये समझो, वर्क प्लेन लगाने के लिए हमें वर्क प्लेन सिलेक्शन में, अब पहले समझो वर्क प्लेन होता क्या है। वर्क प्लेन का मतलब है इसका जीरो पॉइंट कोऑर्डिनेट निकलेंगे, प्रोग्राम बनेगा तो इसका जीरो तो चाहिए, बगैर जीरो के बन जाएगा क्या, बोलो बन जाएगा नहीं बनेगा। तो जैसे बीएमसी में हम ऑफसेट कहते हैं, वर्क कोऑर्डिनेट कहते हैं, यहां पे कहेंगे वर्क प्लेन। वर्क प्लेन पर जाओ, वर्क प्लेन में क्रिएट एंड ओरिएंटेड वर्क प्लेन आ रहा है, नोट कर लो, क्रिएट एंड ओरिएंटेड पर जाना है। यहां पे कई तरीके से लगा सकते हैं लेकिन हम कौन सा लगाएंगे, क्रिएट एंड ओरिएंटेड, और इसमें से जाके वर्क प्लेन पोजिशन यूजिंग ब्लॉक लिखा है, आप इसको क्लिक करो, वर्क प्लेन पोजिशन यूजिंग ब्लॉक। अब हमें यहां पे ऑप्शंस आ गए, कौन से ऑप्शन आ गए, देखो ऊपर बीच में नीचे, ऊपर बीच में नीचे, इतने सभी पॉइंट्स हैं। आप जब प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमने वर्क प्लेन कहां लिया है, हमने वर्क प्लेन सेंटर पर नहीं लिया, हमने यहां लिया है, हम जीरो जीरो कहां ले रहे हैं, यहां, तो यहां पे लेंगे, तो यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ये लगा दिया, अब इसे एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। फिर वर्क प्लेन पर जाओ, वर्क प्लेन पर जाओ, फाइल में अंदर, अब यहां पे जाओ फाइल अंदर जाओ ना, इनसाइड खोलो, डबल क्लिक करो इसको, वर्क प्लेन दोबारा करो, हाँ इस पर क्लिक करो, हाँ आ गया, ये तो दिख रहा है ना, अब ये रुक जाओ, अब ये वर्क प्लेन दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड दिख रहा है, एक्स वाई जेड। अब ये जो है ना, हमें क्या करना है, वर्क प्लेन लगा तो दिया लेकिन एक्टिवेट भी करना है, क्या करना है, एक्टिवेट करने के लिए जैसे ही वर्क प्लेन में एक वर्क प्लेन हमने यूज कर लिया, कितने यूज कर लिए, अब हमें देखना है कि वो वर्क प्लेन के अंदर कहां मिलेगा। तो देखने के लिए हमेशा ध्यान रखो, जब वर्क प्लेन लिखा ना, इसके राइट लेफ्ट साइड में एक प्लस का चिन्ह होता है, और ऊपर ये दिख रहा है, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो अंदर जाएंगे, क्लिक क्लिक करो, आ गया वर्क प्लेन, बोलो, ये वर्क प्लेन, पहले एक भी वर्क प्लेन नहीं था न, प्लस का चिन्ह था, अब प्लस का चिन्ह भी है, एक वर्क प्लेन आपने लगा दिया। अब वर्क प्लेन हटा के दोबारा चाहो तो दोबारा देख लो, इसको कैंसिल कर दो वर्क प्लेन को, डिलीट वर्क प्लेन करो, गया। अब वर्क प्लेन पर जाओ, यहां पर कोई प्लस का चिन्ह नहीं है, देखो तीर का निशान लाओ और यहां देखो, कोई प्लस का चिन्ह नजर आ जाए तो गारंटी है, कोई नहीं दिख रहा ना, फिर लगाओ वर्क प्लेन, वर्क प्लेन पर जाओ, डबल क्लिक करो, क्रिएट एंड ओरिएंटेड वर्क प्लेन पोजिशन यूजिंग ब्लॉक करो, और फिर यहां पे क्लिक कर दो। अरे अरे भाई ढंग से कर, जल्दबाजी कर रो है, यहां ना ढंग से पॉइंट पर जा पहले, हाँ अब कर बस, अब ये एक्स वाई और जेड आ गया, अब ये देखो यहां पे प्लस का चिन्ह आ गया, देखो इधर लाओ कर्सर लाओ, अब प्लस का चिन्ह दबाओ और यहां पे आ जाओ वर्क प्लेन वन, इस पर राइट क्लिक करके और एक्टिवेट, एक्टिवेट देखो एक्स वाई जेड लग गया, एकदम सटीक लगा है, बोलो। तो वर्क प्लेन लगाने का मैंने बता दिया कि कैसे लगेगा, समझ गए, कैसे लगेगा, जो तरीका नहीं बताया कैसे लगेगा, अभी क्लिक करने पर लगेगा, देखो ऐसे पता,
अब देखो ये बल्ब है ना, बल्ब इसे जलाओ, ऑफ कर दो। ये कभी कभी क्या होता है, कोई शरारती स्टूडेंट, शरारती बंदे क्या करते हैं सीनियर, वो उल्टा सीधा करते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो वर्क प्लेन आपका दिख रहा था ना, वो गायब। तो यहाँ पे एक बल्ब होता है, दोबारा जलाओ, लगाओ। ये ध्यान रखो कि वर्क प्लेन को हटाना और देखना। कई बार ना वर्क प्लेन को गायब कर देंगे बल्ब ऑफ, अब कहेंगे ये लगा तो था, कहाँ गया बल्ब, पता नहीं कहाँ गया है। तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो, जैसे ही आपने वर्क प्लेन लगाया, ऑटो कैड की ड्राइंग बनाई, उसमें वर्क प्लेन कहाँ पे यूज था वो, और अब जो लगाया, दोनों में अंतर है। देखो आपकी ये देख रहे हो ना, ये काई की आवाज आई, ये देखो ये और नीचे, ये दोनों अलग दिख रहे हैं ना, दोनों दिख रहे हैं अलग। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वर्क प्लेन को दोबारा कैलकुलेट कर लो, इसको मॉडल को जो लिया है ब्लॉक, तो फिर ब्लॉक पे जाओ, कहाँ है ब्लॉक, इसको क्लिक कर दो और फिर कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट कर दो। अब देखो, अभी सुनो, पहले क्या था यार, 2+ का था और माइनस 28 था, अब यहाँ पे 0 और यहाँ माइनस का 30। ये 0 से वर्क प्लेन जो लगा हुआ है, ध्यान दो, इधर वर्क प्लेन लगा हुआ है, उससे नीचे जेड एक्सिस में कितना पीस है, मॉडल पीस, वर्क पीस का हाइट कितनी है, वर्क प्लेन से नीचे कितनी है, माइनस 30। पीस कहाँ है, अरे जा, पीस की ऐसी तैसी कर रखी है, दूसरा पीस नहीं है कोई, दे छेद जा में, दूसरा पीस दो, चलो कोई बात ना, ना है तो खोल देला। ये देखो, ये हमने जो प्रोफाइल बनाया है ना, यही सिंपल प्रोफाइल अभी तैयारी चल रही है जय की, यही बनेगा डेल के उनसे, समझ में आया। अब ये जो पीस है ना, हमने वर्क प्लेन कहाँ लगाया है, वर्क प्लेन यहां लगाया है, और इससे नीचे कितना है ये 30, तो इसलिए माइनस 30 शो कर रहा है, बोलो क्लियर, शाबाश। इसमें जोश आ गया, कौशल ने इसमें जोश भर दिया भाई। और वाई में 100, वाई में कितना है 100, और एक्स में 110, तो ये 110 बाई 100 और नीचे हाइट 30। बोलो वर्क प्लेन लगाना आ गया, ये सब कौशल के चेला है, समझ में आया। अब यहाँ एक्स वाई जेड क्लियर हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो ये वर्क प्लेन पहले तो कंफर्म करो ये सब चीज क्लियर है कि नहीं है, पहले एक्सेप्ट कर दो। अब आपके दो दो अलग अलग इमेज दिख रही थी, वो सिंगल इमेज में आ गई, सिंगल इमेज में आ गई। देखो कोई कमेंट भी आ रहा है कि ऐसे ही चल रही है, चल, अरे देखो यार कम से कम कमेंटों को तो देखो भाई, नहीं एक भी कमेंट नहीं है, नंबर लो, अरे नंबर पहले जरूरी है, लाओ, अरे कपड़ा कपड़ा कहाँ है, बोला चलें, अब लिखे जाएंगे नए नंबर, ठीक है। अब मैं नंबर्स लिख देता हूँ आपको, ये मिटा दूँ ये तो, अगर आप देखो हमारे सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग के साथ कैड कैम फ्री चल रहा है, जिसने भी एडमिशन डालना है डाल लो, मौके का फायदा उठा लो, ऑफर सीमित समय तक, जैसे ये कह रहा है, जो ये कहेगा वही हम मानेंगे पक्का, फ्री मत, सब चीज फ्री मत कह दियो, जितनी कहनी उतनी कियो। और सीएनसी बीएमसी की फीस मात्र 4,000 रुपए है, जिसमें रहना फ्री, आरओ का पानी, सुबह की चाय फ्री, और साथ में 1,000 रुपए
इंडस्ट्रियल ड्राइंग जीडीएनटी सरफेस रफनेस और इसका देना है मैक्रो का सब मिला मिलू के टोटल पड़ेगा। ये मत कहना कि सर आपने चार बोला था, अब पांच हो गया, चार का पांच, ठीक है। अगर आप केवल ऑनलाइन करना चाहते हो तो ये कम कर दो, केवल चार बोलो। ऑटो कैड डेल कैम बिल्कुल फ्री, नो चार्ज। कैसी लग रही है क्लास, समझ में आ रहा है? अब मोबाइल नंबर ले लो 9911448855 9911448833 9911448833 ये तीन नंबर्स हैं, इन पे आप किसी पे भी कॉल करके अपना एडमिशन कंफर्म करा लो। आपके पास डेल के माटो कैट फ्री चल रहा है ऑफर में, फटाफट कंफर्म एडमिशन करा के रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन क्या रुपए का है? 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज है, कोई ज़्यादा नहीं है। सीट बुक कराओ, ठीक है। कमेंट आ रहा है, बोलते जाओ क्या कह रहे हैं। ये सब हमारे ही हैं। मेरा नंबर जो है, एडमिशन जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, सबको मिलता है पक्का। इसको जरूर देना है, इसको जरूर देना। हाँ, इसके पास तो है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं एडमिशन को कंफर्म कराओ और रजिस्टर। मैं आपको सीधा कहता हूँ, आपने कहीं से भी पढ़ाई पढ़ ली, एक बार हमारे यहाँ जरूर ज्वाइन कर लो, आपको बहुत सी चीज़ों में बहुत अंतर नज़र आएगा। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, क्यों कि मेरे पास इतना मटेरियल है, 33 साल हो गए लगे लगे, और 33 साल से यही आवाज़ और यही जोश बराबर है। चाय लाओ, समझ में आई? चाय समझ में आई नहीं आई? बोलो भाई, चार बार रोटी खेचे हो जाए कि कितनी बार कह लो, समझ में नहीं आती। लो जब देखो वृंदावन गए घूमने, जब देखो होटल पे ही। अब दूसरा मैं क्या लिख रहा था? अरे ना चाय के, इधर ही आ जाओ तुम। अब जो है ना, हम क्या करेंगे, हमने वर्क प्लेन लगा लिया, अब आएंगे हम जो मेन चीज है उस पे। हमने सबसे पहले क्या किया था, ब्लॉक वर्क प्लेन, अगेन ब्लॉक को कैलकुलेट किया, चेक किया। अब आते हैं टूल पाथ और टूल। तो टूल लेना है तो टूल पाथ और टूल सब इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी सेलेक्टर। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजी सेलेक्टर। स्ट्रेटेजी सेलेक्टर में क्या क्या आएगा वो पॉइंट समझ लो। नंबर एक आएगा, बोलो, ब्लॉक। सबसे पहले हमने क्या लिया? फिर लिया वर्क प्लेन, और तीसरे नंबर पे टूल, अब हम क्या लेंगे, और चौथे पे टूल पाथ। ये सब चीजें सीरियल से ली जाती हैं, ठीक है, उसमें भी आ रहा होगा ना। और क्या है, टूल पाथ के बाद और क्या लेना है? टूल पाथ में ही आ जाएगा रैपिड मूव वगैरह सब, ये तो टूल पाथ में ही आ जाएगा, है ना। तो हमें चार चीज, ब्लॉक हम ले चुके, नोट कर लो, ये पॉइंट है, जरूरी होता है। वर्क प्लेन ब्लॉक ले लिया, वर्क प्लेन लगा लिया, टूल टूल नहीं लिया अभी, अब टूल लेते हैं। क्या लेते हैं? टूल। क्या लेते हैं? टूल। गुड, अब टूल पर जाओ। टूल कहाँ है? ये रहा टूल। अब देखो टूल के साथ यहाँ कोई प्लस का चिन्ह दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसका मतलब कोई भी टूल नहीं लिया गया है। बोलो कोई टूल लिया है? अगर लिया होता तो प्लस का चिन्ह होता। तो यहां पे अब टूल पे ही डबल क्लिक करना पड़ेगा, करो क्रिएट टूल, लिखा है क्रिएट टूल में हमने क्या लेना है, एंड मिल। क्या लेना है? एंड मिल, क्लिक कर दो एंड मिल। अब हमें डाया कितना बनना है?
आठ डायामीटर भर दो, आठ। जैसे ही हम डायामीटर आठ भरेंगे, लेंथ अपने आप 40 आ गई, मतलब डायामीटर का 5 गुना ऑटोमेटिक डेप्थ आ जाती, लेंथ आ जाती है। हमने भरना क्या है? डाया। तो हमारा जो एंड मिल है वो कितने का है? और एंड मिल कहाँ है? एंड मिल है क्या? देखो ये 8 का एंड मिल है, ये होल्डर में लगा के नहीं रखा तुमने, वहां लगा हुआ, निकाल, कोई निकाल सकता है तुम्हें से? रुक जा, पकड़ के रखियो पहले, निकालने से पहले। अरे रुको, हाँ अब आप बटन दबा, जॉक दबा, जॉक और टूल क्लैंप पकड़ के रखियो, छोड़ मत दियो जाए, हाथ में आ जाएगा, बस रीसेट दबा दे, बस ठीक है। लाओ, ये बीएमसी मशीन है, इस पर प्रैक्टिकल होगा। ये देखो, ये एंड मिल टूल है, अब देख रहे हो ना एंड मिल, इसके 4 फ्लूट हैं, ठीक है। तो ये फ्लूट कहते हैं इनको, जो कटाई करते हैं इस। अब मैं टूल लेता हूँ, तो है ना, एक एंड मिल एक्स्ट्रा रखा हुआ है, टूट जाए तो यहीं तीन लगा ले। अच्छा देखो, ठीक है, हाँ जी। डायमीटर कितना ले लिया? 8 का, तो लेंथ ऑटोमेटिक कितनी हो गई? 40 की। चाय पिलवा दो एक बार, ठीक है। और इसके बाद आता है टूल नंबर, अब नंबर देख लो ध्यान से, वही नंबर वहां पे चलाना है। आप क्या नंबर चाहते हो? एक नंबर, तो आप लिख दो एक। नंबर ऑफ फ्लूट कटिंग, कटिंग की जो एज है इसमें कितनी है? 4। अरे वाह, ये दो दिनों में सुपर बन गया है। 4, 4 लिखो, 4 लिखा, ठीक है, क्लोज कर दो, क्लोज, ठीक है जी। टूल आ गया, दिख गया? नहीं दिखा? अब आप यहां पे देखो, टूल के साथ प्लस का चिन्ह आ गया, अब प्लस पे क्लिक करो। अब ये टूल नंबर एक है, जो भी करना है आपने इसमें करना है। एक नंबर टूल आपका लग चुका, बोलो एक नंबर टूल आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि टूल नहीं दिखना चाहिए, तो इसके साथ बल्ब है, दबा दो, दबाओ, क्लिक करो, टूल गायब, ठीक है ना। टूल का आपको शो कराना है या नहीं कराना है, यह इंपॉर्टेंट होता है। शो कराना है तो बल्ब जला दो, टूल दिखेगा, बोलो क्लियर है। तो आपका टूल आ गया, टूल। अब आता है टूल पाथ, टूल पाथ, ये रहा टूल पाथ, बजाओ। अब इसमें देखो कोई प्लस नहीं है टूल पाथ पे, है कोई प्लस? नहीं है, नहीं है। तो आप टूल पाथ पर डबल क्लिक करो फिर, और डबल क्लिक करके क्रिएट टूल पाथ, क्या लिखा है इस पर क्लिक करो, और क्लिक करके अब क्रिएट टूल पाथ में कहाँ जाना है? 3D एरिया क्लियरेंस, नोट कर लो, कहाँ जाना है? 3D एरिया क्लियरेंस। चाय आ गई, क्लिक करो। 3D एरिया क्लियरेंस में इतने ऑप्शंस आपके पास आ गए, चैम्फर क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस, मॉडल प्रोफाइल, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस, मॉडल रेस्ट प्रोफाइल, प्लंज मिलिंग, स्लाइस एरिया क्लियरेंस और स्लाइस प्रोफाइल। तो हमको लेना है मॉडल प्रोफाइल, मॉडल प्रोफाइल, स्लाइस नहीं। हमने क्या लेना है? मॉडल प्रोफाइल को क्लिक कर दो, ओके, ठीक है। अब मॉडल प्रोफाइल हमारा आ गया, आ गया। अब यहां पे कट डायरेक्शन प्रोफाइल लिखा है, यहां आ जाओ। अब इसमें क्लिम कन्वेंशनल, एनी क्लिम का मतलब है जैसे कन्वेंशनल करना, ये तीन है। तो क्लिम का मतलब होता है क्लॉकवाइज, कन्वेंशनल एंटी क्लॉकवाइज, एनी एनी माने जैसा उसको शॉर्टकट लगे वैसे। तो आप क्लिम रखेंगे, ठीक है। टॉलरेंस 0.01 कर दो, 10 माइक्रोन कर दो, क्यों, कितने रखोगे? 10 माइक्रोन नहीं होती,
0.01 कर दो, टॉलरेंस हो गई थिकनेस, थिकनेस को 0 कर दो। थिकनेस का मतलब नोट कर लो, फिनिशिंग अलाउंस, फिनिशिंग अलाउंस। अगर आपको फिनिशिंग अलाउंस चाहिए, ये नंबर दिखा देना, ये नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, स्क्रीन पर नहीं बोर्ड पर। अगर एडमिशन लेना है तो आप इस पे कंफर्म करें और एडमिशन को कंफर्म करें रजिस्ट्रेशन फीस देके तुरंत। और ऑनलाइन, और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग अगर आप अगर अभी नहीं आ पाते, ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लो, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। प्रैक्टिकल करने आ जाओ बाद में, पहले ऑनलाइन करके बढ़िया रहेगा कि नहीं। ठीक है, थिकनेस को कर दो 0 कर दिया। स्टेप ओवर, यहाँ पे स्टेप ओवर नहीं आ रहा क्योंकि ये प्रोफाइल है, मतलब टूल का जो डायामीटर है उसी साइज का प्रोफाइल बनेगा, इसमें स्टेप ओवर नहीं आएगा, तो इसीलिए स्टेप ओवर का यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, देखो ना हिडन है। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन पर क्लिक करो, कितना है स्टेप डाउन, कितना रखना है 0.5। स्टेप डाउन कहते हैं ईच कट, लिखो ईच डेप्थ ऑफ कट, प्रत्येक कट कितने का लेना है, वो कितने का लेना है 0.5 का, तो ईच डेप्थ ऑफ कट हमने क्या ले लिया 0.5। ठीक है, स्टेप ओवर कहते हैं शिफ्ट होना, जैसे मान लो टूल ऐसे चल गया फिर थोड़ा शिफ्ट होके फिर चलेगा, तो आगे तो स्टेप ओवर यहाँ पे 0 है, प्रोफाइल में 0 रहता है, उसमें वो शिफ्टिंग का कोई ऑप्शन नहीं रहता। थिकनेस का मतलब है हमारा फिनिशिंग अलाउंस, अगर जैसे रफिंग के बाद फिनिशिंग करनी है तो आपने टोटल मान लो 2 mm टोटल करना हमें, तो टोटल डेप्थ हमने ले ली, तो उसमें से जब फिनिशिंग करेंगे तो जितनी फिनिशिंग हमको करनी है वो फिनिशिंग आप दे देंगे कि हमें इतनी फिनिशिंग करनी है, तो वो हम छोड़ देंगे इसमें थिकनेस में। ठीक है ना, आगे चलो। लिमिट, लिमिट में अभी इसमें बाउंड्री देनी है, दे दो। यहां पे ब्लॉक में जाएंगे तो ब्लॉक में हमें लिमिट देना है कि हमको जो प्रोफाइल लेना है वो किधर लेना है। देखो 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, यहां पे क्या है, रुक जा रे, ये क्या कह रहा है, लिमिट टूल सेंटर टू ब्लॉक एज, दूसरे में देखो लिमिट अलाउ टूल सेंटर आउटसाइड द ब्लॉक, ये देखो रुक जाओ, ये क्या कह रहा है, टूल सेंटर यहां लगा, नीचे करके दोबारा ला, अब ले जा, हाँ ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो हमें टूल सेंटर लेना है, जैसे प्रोफाइल बनाना है तो प्रोफाइल के लिए हम जो लेते हैं तो यहाँ पे टूल सेंटर यहाँ लेना है, तो ये अगर यहाँ लेंगे तो प्रोफाइल ऐसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे इसे उधर ले लेंगे, किधर लेंगे, कटर को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो हमको ये क्लियर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसकी लिमिट में कटर को उधर शिफ्ट करेंगे, इस लिमिट को हम कहाँ पे कहें, G41-42 कह सकते हैं BMC में, 41-42। ठीक है, अगर हम 41-42 नहीं लगाते तो कटर का सेंटर और ये जो पाथ है दोनों सेम आएंगे, अगर 41 लगाएंगे तो शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे 41 ना लगा के आप ये लगा दो, बोलो क्लियर है। आगे चलो, रैपिड मूव्स, रुको रुको रुको, अब हम जाएंगे रैपिड मूव्स लिखा है ना, यहाँ जाओ, रैपिड मूव में टूल पाथ वर्क प्लेन, देखो यहां पे क्लिक करो, 1 होगा, 1 है ना, 1 हम कर रहे हैं, आगे चलो। और हमारा ये क्या है, रैपिड मूव में 2 चीज आती है, जैसे मान लो हमको लेके आना है इधर, देखो ये हमारा वर्क पीस है, अगर हम टूल यहां पे लाएंगे तो इसे कहते हैं रैपिड पॉइंट, ये 10 mm ज्यादातर हम लेके चलते हैं, कितना लेते हैं 10, और ये दूसरा क्या लेते हैं 5 mm सेफ्टी पॉइंट, सेफ्टी पॉइंट।
तो ये क्या होता है हमारा आर पॉइंट, ये क्या होता है आर पॉइंट, तो ये हमारा इसको कहते हैं यहाँ पे प्लंज, पी एल प्लंज हाइट, प्लंज यहाँ से ये जी जीरो वन में चलेगा और ये रैपिड हाइट, इसको क्या कहेंगे रैपिड हाइट, यहाँ पे चलेगा जी जीरो में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जी जीरो और इसके नीचे जी जीरो वन, तो 10 mm से आएगा, पहले रैपिड में आएगा, 5 mm के बाद फिर जी जीरो वन में आएगा, उसे कहते हैं प्लंज हाइट, ठीक है। कैलकुलेट कर दो, ये ऑटोमेटिक ले लेता है, अगर चेंज करनी है तो कर सकते हैं, बाकी अपना इसने ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ो, एक बात ध्यान रखना, अभी कैलकुलेट नहीं करना है, सभी चीजों को भर के फाइनल में कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आता है लीड एंड लिंक, अब क्या होता है कि हमारे वर्क पीस पे टूल आएगा, तो एंड मिल जो होता है, एंड मिल हमेशा कटाई करेगा वो एक्स वाई में करता है, कोई भी कटर हो एंड मिल हो, आपने देखा होगा कटर होता है तो उसमें कैसे होता है, इस तरीके का कटिंग एज होती है। अब ये जो कटिंग एज है, ये कटिंग एज किधर कटाई करेगी, एक्स वाई में, नीचे को नहीं करेगी। अब ये नीचे को नहीं करेगी तो क्या करेंगे, इसको रैंप में लाएंगे तिरछा, जिससे टूटे ना फ्लूट, नहीं तो टूट फ्लूट टूट जाएगा, तो इसीलिए जब हम इस टूल को लाएंगे एंड मिल को, तो हम सीधा नहीं लाएंगे, स्ट्रेट नहीं लाएंगे, हम लाएंगे ऐसे रैंप में, टेपर में, तो यहाँ पे रैंप दिया है। आगे आओ, फर्स्ट चॉइस नन, नन में तो वो सीधा आएगा, फिर हम क्या करेंगे रैंप डालेंगे, रैंप में दो रैंप, रैंप करो, सेकंड चॉइस भी रैंप, रैंप दोनों में रैंप रखना है हमने, ठीक है। तो हमने रैपिड हाइट ले ली, प्लंज हाइट ले ली और रैंप ले लिया, आगे चलो लीड इन, अरे लीड इन ले, दोबारा ले, क्लियर हो गया, लीड आउट ले, अब लीड आउट का मतलब ऊपर निकलना, लीड आउट मतलब ऊपर निकलना, तो ऊपर कैसे निकलेगा, नन नो प्रॉब्लम, ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं, सीधा जाने दो, अंदर जाने में टेढ़ा, लेकिन ऊपर जाने में सीधा, जान दो। आगे चलो लिंक्स, लिंक का मतलब है कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना, उसे कहते हैं लिंक, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना उसे लिंक कहते हैं। तो लिंक हम यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास, सेफ लिखो, सेफ और दूसरा है स्किम, आप स्किम ले लो, स्किम लो, सेफ मत रखो। स्किम में क्या है कि स्किम का फीड रेट हम खुद भर सकते हैं, लेकिन सेफ का फीड रेट हम नहीं भरेंगे, सेफ में जो भी फीड रेट होगा जी जीरो का वो चलेगा, लेकिन स्किम में हम खुद भरेंगे, तो इसलिए हम स्किम का लेके चलेंगे, क्या लेंगे लिंक में स्किम। सेकंड चॉइस में भी स्किम डाल दो, डाल दिया, इसके बाद आता है डिफॉल्ट सेप है, इसको स्किम कर दो, इसको रहने दो, भले ही तो हमने भर दिया। आगे चलो फीड, फीड एंड कहा है, फीड कहा है, फीड, फीड एंड स्पीड, अब आता है फीड एंड स्पिंडल आरपीएम कितने रखने, 1200, कितने रखने 1200 कर दो। कटिंग फीड रेट कितना रखना है 80, प्लंज फीड रेट कितना रखना है प्लंजिंग का 30 कर दो इसको, और स्किम फीड रेट कितना रखना है 500 नहीं और कम कर दो 400 कर दो, वो हमारे हाथ में होना चाहिए, धीरे धीरे जाएगा, पता भी रहे ना कैसे कर रहा है स्किम, ठीक है। और कूलेंट स्टैंडर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं, कूलेंट में देखो ऑप्शन आते हैं, आ रहे हैं ना, फिलर मिस्ट टैप एयर थ्रू डबल, तो ये स्टैंडर्ड में रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया साहब, आप इसमें कुछ बचा, ओके कर दो, कर दो कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेट कर रहा है, टूल पाथ बन गया, सब रेडी हो गया मामला, हाँ क्लोज। अब ये हमारा पूरा पाथ आ गया,
और हमने क्या करा है, रैंप में उतर रहा है ना, कोई रैंप में आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, पहले सिमुलेशन करके इसको क्या देखना है, सिमुलेट करके क्या देखना है कि ये कैसे चलेगा। तो सिमुलेट करने के लिए हम क्या जाएंगे, फिर रुक जा रहे जल्दी मत कर, आता जा क्या कर सर, यहाँ पे जाओ फिर टूल पाथ, ठीक है क्लिक करो, यहाँ टूल पाथ बन के आ गया आपका, इस पर जाओ और डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक करके सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट किया। अब आपने एक होगा व्यू मिल, ये दिख रहा है नहीं है लाल, ये लाल 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 लाल, ये व्यू मिल, इससे क्या है कि ये हमारा काय में कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। अब हम टूल चलाएंगे, कहाँ गए थे हम, व्यू मिल में। अब ये यहाँ पे आता है स्टार्ट फ्रॉम सिमुलेट और ये ऑप्शन हमारे पास आएंगे, यहाँ पे आ रहा है, हाँ करो थोड़ा फीड, हाँ ये देखो बढ़ा दो थोड़ी सी, अब देखो आ रहा है, ये नीचे उतर रहा है, उतर रहा है ना, देखो गौर से देखो, रैम में उतर रहा है, उतर गया, चल रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, यहां से स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ी सी, बढ़ा दो, टूल को सॉलिड कर दो ना। हाँ बिल्कुल, आपकी इच्छा, ये आपकी सरदर्दी है, कितनी भी कर लो। देखो पात आ रहा है, अब यहां पे गया ऊपर फिर उतरा, दो बार हो गया, हमने केवा लेना है चार बार, क्योंकि हमने डेप्थ कितना लिया था 0.5। ये पाथ आ रहा है, ये अपना टूल पाथ को क्या कर रहा है, हो गया, ये हमने टूल पाथ को सिमुलेट करके देख लिया, टूल पाथ हमारा ठीक, जो हमारा पाथ है वो प्रोफाइल बन गया ना, ठीक है। अगर हमको अगली क्लास में क्या करेंगे, अंदर के को हटाएंगे, बाहर के को नहीं हटाएंगे, उसे कहते हैं मॉडल एरिया क्लियरेंस के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे बोलो, एनसी प्रोग्राम जनरेट, अब क्या बनाएंगे इसका, एनसी प्रोग्राम जनरेट। अब एनसी प्रोग्राम जनरेट के लिए टूल पाथ पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम, जाओ और यहाँ पे टूल पाथ पे फिर जा, क्रिएट एनसी प्रोग्राम आ गया, एनसी प्रोग्राम पे यहाँ प्लस पर क्लिक करो, यहाँ पे जाओ क्लिक करो और यहाँ पे आ जाएगा अपना एडिट सेलेक्टेड। जैसे प्रोग्राम बनाते हैं तो सीएनसी बीएनसी में एडिट मोड में बनाते हैं ना, यहाँ पे भी क्या आएगा, एडिट सेलेक्टेड, क्लियर करो, करो ओके आ गया। अब आउटपुट फोल्डर कहाँ चाहते हो आप, डेस्कटॉप पे ले लो, डेस्कटॉप आउट क्लिक करो, ओके करो, इसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट फाइल, इसके बाद मशीन ऑपरेशन फाइल क्लिक करो, मशीन ऑपरेशन फाइल में आप जाएंगे कहाँ पे, कंप्यूटर में, कंप्यूटर के बाद सी में, लोकल सी, सी के बाद यूजर, यूजर के बाद पब्लिक, पब्लिक के बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद, और जब तक ये कर रहे हैं इधर लाओ जरा एक बार। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रोग्राम को जनरेट कर दो तुम, फिर इनको प्रोग्राम दिखा देंगे। अब इसमें जो हमारा प्रोग्राम बनेगा उस प्रोग्राम को हमें क्या करना है बोलो, आगे हमको क्या करना है,
सेव कर प्रोग्राम को रन कराना है पेन ड्राइव में लेके, काय में लेके, तो ये पेन ड्राइव लो और प्रोग्राम तैयार कर दो पूरा, ठीक है ना, और उसे करेक्शन करके पेन ड्राइव में लेके मशीन में चला के फिर फटाफट दिखाना है। तो फ्रेंड्स हमारा ये लो, अब ये मशीन में डालना भी दिखाना है कैसे आता है ना, जो भी करेक्शन करना है कर लो। अब जो है मेन आता है कि हमारे कोर्सेस में मैंने आपको बता दिया कि मेरा उद्देश्य है कि अगर आप अकेली सीएनसी प्रोग्रामिंग करते हो तो आपकी ग्रोथ एक जगह जाके रुक जाएगी, बीएमसी करते हो तो ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, साथ में कैड कैम करते हो तो ग्रोथ और साथ में क्वालिटी करते हो तो ग्रोथ और बढ़ जाएगी। इसीलिए मैक्रो हो गया, आपकी ग्रोथ का लेवल है, ग्रोथ के लेवल को आपने आगे बढ़ाते जाना है और जितना आगे बढ़ाना है कोर्सेस की जरूरत है। अब कोर्स के लिए क्या चाहिए भाई साहब, पैसा, कोर्स के लिए क्या चाहिए पैसा। अब बताओ अगर ये सभी कोर्सों को कोई करेगा और किसी भी सेंटर पर जाओ तो लगभग कितना पे करना पड़ेगा, 15-20 हजार रुपए तो कम से कम मान लो। अब भैया ना पैसा होगा ना कोर्स होगा, बोलो, तो ग्रोथ भी नहीं होगी। इसके लिए मैंने ये ऑप्शन निकाला है कि आप केवल सीएनसी के फीस में इतने सभी कोर्स कर लो, उसका फायदा आने वाले समय में अपने आप दिखाई देगा, आज नहीं तो कल दिखाई पक्का देगा, नहीं देगा पक्का, इसमें कोई शक नहीं। अब मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं ऑटो कैड ही नहीं आता उनको, क्या है ऑटो कैड, अब दसवीं पास है, दसवीं पास कौन कौन है आप में से, ये दसवीं पास है। अब देखो अब इनको ऑटो कैड और कैम डेल कैम क्या पता, लेकिन अभी जो है ना जब मैं बताऊंगा आप प्रोग्राम चलाएंगे तो आपको डेल कैम पता चलेगा क्या होता है। अभी मास्टर कैम भी आ रहा है, मास्टर कैम डेल कैम हर तरह से हर तरह के कैम चलाएंगे, सीएनसी पे भी चलाएंगे, बीएमसी पे, है ना। मेरा यही कहना है कि फीस आपने ज्यादा नहीं देनी है, सीख कितना भी लो, आगे ग्रोथ लेनी है तो सब कुछ सीखना है। अभी देखो हमारे पास स्टूडेंट है इनकी ऑलरेडी 40,000 रुपये सैलरी है, क्या नाम है सर आपका, कुलदीप है, ये कहाँ से है सर, बहादुरगढ़, बहादुरों का गढ़ है वो, समझ में आई, वहां से आए और इनकी सैलरी अभी 40,000 रुपये तो ऑलरेडी है, 40,000 रुपये सैलरी पे हैं लेकिन फिर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं और लेवल भी अच्छा खासा होगा, क्यों जी, शिफ्ट इंचार्ज, पूरे शिफ्ट के इंचार्ज है, और क्या चाहिए बोलो। और कई बच्चे ऐसे देखें दो दो साल मशीन चला के आ रहे हैं और कंपनी ने भगा दिया, जाओ तुम किसी काम के नहीं, तो दूसरी कंपनी ले लेती है, हमारे यहाँ चला लो, साल दो साल चलवा के वो भी कहती है अब तू किसी का काम का नहीं रहा, तो तीसरी तैयार बैठी है, हमारे यहाँ चला लो, फिर तीन के बाद फिर चौथी कहती है अब तू किसी काम का नहीं, अब जा कृष्णा ऑटोमेशन दिमाग को बड़ा बोलो, अब अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर तो ग्रोथ होगी, मानते नहीं मानते, इसीलिए ग्रोथ लेनी है तो भैया पहले ही आ जाओ। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दो दो तीन तीन साल मशीन चला चुके हैं, हाथ उठाओ, शर्मने की कोई बात नहीं है, तो और इज्जत से उठाओ, जैसे ये है, क्या नाम है तुम्हारा, सद्दाम, क्या साल चलाई, तीन साल चला के अब ट्रेनिंग ले रहे हैं, यही ट्रेनिंग शुरू में ली होती तो तीन साल बेकार नहीं जाते। आपने दो साल अक्षय मिश्रा कहां से हो, हरदोई उत्तर प्रदेश, और ये बनारस से, जैसी इनकी शक्ल है बनारस जैसी दिख रही है तो हमने पहले बता दिया, बोलो समझ में आया, और बताओ है? और कौन है, किसने मशीन चलाई है, चलाई तो बहुत तुमने, पर शर्म के मार बताना रे, अरे जीत जाको फोटू वोटू मतलब ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि अभी भी मौका है, कब आप सीएनसी मशीन ऑपरेटर हैं और प्रोग्रामिंग अगर नहीं आती जॉब छोड़ दो,
एक महीने बाद वापस देखना कितना आनंद, कितना एकदम आपको आनंद आएगा। छोड़ दो मेरे कहने से, कोई दिक्कत नहीं, रहना फ्री है, बोलो। नहीं तो आपकी ग्रोथ नहीं, आगे बच्चे होंगे, बच्चों की फीस, पढ़ाई लिखाई, खर्चा कहाँ से आएगा? खर्चा कहाँ से आएगा सर? किसका? बोलो, समझ में आया? शकल तो देख ले। तो मैं कह रहा, मेरा कहने का मतलब है कि ग्रोथ करनी है भैया तो ज्वाइन कर लो, पूरे भारत देश क्या, विदेशों में भी कह रखा है, ऑनलाइन जुड़ जाओ, किसी की बातों में नहीं आना है भैया। पैसा वाले के पास तो तमाम ऑप्शन है, सेंटर है बढ़िया, लेकिन गरीब आदमी मेरे पास आ जाओ। क्यों? कोई दिक्कत नहीं। अभी ये स्टूडेंट है, जैसे ये अभी समझ में नहीं आ रहा, दसवीं बारहवीं आईटीआई डिप्लोमा बीटेक, कोई दिक्कत नहीं, सब मेरे लिए बराबर है। क्यों? जब मैं पढ़ाता हूँ तो सब मुझे एक जैसे नजर आते हैं। बीटेक भी किया हुआ कुछ नहीं बता पाता है, तो मेरे लिए तो बराबर है, लेकिन उस क्वालिफिकेशन का फायदा आगे जाके मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये बीएमसी मशीन है, इसमें प्रोग्राम डालो भैया, डालो, पेन ड्राइव में ले लिया, आ जाओ, पहुंचो, डालो प्रोग्राम, डाल दो, बताओ, डाल के पेन ड्राइव लगाओ, पेन ड्राइव लगा के और डाल के दिखाओ और उसे रन कराओ, ठीक है? तो सभी स्टूडेंट धीरे बैठ जाओ, वन आपका सबका नंबर आएगा, प्रोग्राम बनाना भी और डालना भी। पहले ये बताओ, जो मैंने क्लास करी रियल में कितनों को समझ में आई, हाथ उठाओ, ठीक है, हाथ उठाओ, कितनों को समझ में आई, ठीक है। अभी तुमको नहीं आई, स्टार्टिंग है ना, पहला दिन है, ठीक है। जिनका पहला दिन है देखो, उनको तो मैं कह सकता हूं कि भाई फर्स्ट डे है, लेकिन जिसको भी दो से तीन दिन अगर हो गए, तीन दिन, तो समझ लो पक्का आएगी। तीन दिन में हम इतना पहुंचा देते हैं एकदम टॉप लेवल पे। क्यों? तो तुम्हारा नाम क्या है? परमवीर सिंह नारायण। अरे इतना, परमवीर सिंह नारायण और रख लेता थोड़ा बहुत परमवीर सिंह और नारायण, मुझे बताओ हम कोई गुंजाइश रह गई है और? ठीक है सर, परमवीर सिंह नारायण मिथुन, अभी तो और निकलेगा, डालो, क्या चाहिए टूल? हाँ ठीक है ना, अभी तो अब जो है ना बीएमसी पर डाल के आप रन कराते हैं, उसमें ऑलरेडी टेस्ट उसमें है नहीं, वायरस इसमें है। अच्छा ठीक है, निकाल ले, दोबारा डाल ले, वायरस बता रहा पेन ड्राइव में, निकाल ले। अच्छा दूसरा ये मैं जब तक लैब दिखा देता हूँ आपको, डाल लो जब तक, आ जाओ। कौन सा क्लास बंद? बंद है, जान दो तो क्या दिक्कत है, ये तो चल रहा है, लाइट चल रहा है सर, ला और का चल लो, झंडा लगा के खड़े हो, वैसे ही लाइव चल रहा है, चलो यो करो, लाइव चल लो, चलो। अब भैया कुर्सी पीछे कर लो, और जब तक ये डाल के रन कराता है तब तक मैं आगे की कहानी शुरू कर देता हूँ, समझ में आ रहा है ना, क्लियर? ये चल तो रहा है लाइव, ये ना अभी सभी स्टूडेंटों को बता देता हूँ जिन्होंने एडमिशन लेना है, समझ लो ये विशाल सर हैं और ये बेटे हैं, ठीक है, एडमिशन डिपार्टमेंट इनके पास है, जो भी आपको क्वेरी कुछ भी है आप इनसे बात करें, बाहर का कोई आदमी नहीं है, न्या मैडम है, ये भी अपने घर की हैं, बाहर का कोई नहीं है, ठीक है,
ये नहीं है कि कोई बाहर का रखा हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। और नंदू सर है इनके पास, ये कैमरा लगा हुआ है, ये इनके साले मिसाल सर के, ठीक है ना। तीनों आदमी, तीनों के तीन नंबर मैंने दे दिए, क्योंकि एडमिशन में मैं ज़्यादा लग नहीं पाता, मेरा काम है क्लास करना। तो आप कहेंगे कि सर, लेकिन जिसका एडमिशन हो गया उसके लिए फिर मेरी जिम्मेवारी है, वो फिर मेरा काम है। अभी मैं जब तक लैब दिखा देता हूँ, प्रोग्राम रन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। और कुछ कहना है एडमिशन से रिलेटेड, बोलो ना भाई। गोपाल सर की क्लास मिल रही है, ऐसा मौका बाहर ना मिले। मीटर खींचा करो, मैं अकेला ही थोड़ी खींचूंगा। हाँ जी बोलो, आ जाओ। इतनी इतने में डर लग रहा है, भारी भरकम, बोलो। आ जाओ अन्ना, चलो। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी स्टडी चल रही है, ये देखो। बोलो, ये देखो पीएलसी वाले स्टूडेंट, मिसुबिशी बीएफडी का स्टडी चल रहा है पैरामीटर्स का, एकदम। आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा ऑटोमेशन से हूँ और एडमिशन डिपार्टमेंट संभालते हैं हम भी, सीएनसी और वीएमसी का। तो अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है आपका, जो सीएनसी वीएमसी टूलिंग ऑपरेटिंग सेटिंग प्रोग्रामिंग विद प्रैक्टिकल मैनुअली जैसा सर बताते हैं 4000 में कंप्लीट पैकेज है। उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्रियल ड्राइंग, जिसमें सरफेस रफनेस, जीडीएनटी, टॉलरेंस, फिट क्या होती है, ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, मेजिंग इंस्ट्रूमेंट टोटल सारे, और उसके साथ मैक्रो प्रोग्राम की क्लास प्लस सीएनसी मेंटेनेंस आपका सिर्फ 1000 रुपीज़ में है। उसके साथ आपका ऑटोकैड डेल कैम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी हम आपसे कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छा ऑफर है सर, आप जो भी इन्वॉल्वमेंट आपकी होती है, आपको एडमिशन लेना है, आप आ सकते हैं और हमारा कृष्ण ऑटोमेशन ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। नेहा मैडम ने जो बोला पूरा बात वही है। तो मैंने इनसे कहा कि आप लोग एडमिशन लेते हैं, आप लोग भी आके आगे आया करें, अपना बताएं, क्योंकि हाँ पसीना दे गई, कोई बात नहीं। चलो अब जो है ना, ये बीएफडी का पूरा प्रोग्रामिंग पैरामीटर्स की स्टडी चल रही है, स्टूडेंट बाकायदा स्टडी करते हैं अपने तरीके से। सभी बीएफडी के कर रहे हो ना, गुड। ये सभी स्टूडेंट पीएलसी ऑटोमेशन वाले स्टूडेंट हैं जो बीएफडी की स्टडी कर रहे हैं। आ जाओ। अब ये हमारे पास रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, ठीक है, और ये हमारी लैब है जिसमें पूरा बार बार जैसे मैं बताता हूँ, देखो ऐसा है लैब वगैरह तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन गोपाल सर 33 साल के एक्सपीरियंस वाला नहीं मिलेगा, बस यही बात हमारी मेन है। और फीस रहना फ्री और 5 साल पीएलसी ऑटोमेशन है, सब कुछ साथ में की पीएलसी बीएफडी सर्वो स्टेपर एचएमआई स्काडा हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सब मिला के मात्र 6000 रुपये में ऑफर चल रहा है, ले लो ओनली 6000। आप बता दो इतनी बड़ी इतनी सब चीज़ें गोपाल सर खुद क्लास करे और 6000 रुपये कॉस्ट हो, एक कॉमन सी बात सोचो, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट आके जुड़े सिस्टम में, जुड़े और आगे क्लास करें। और अभी मशीन में आ रहा हूँ बीएमसी पे थोड़ी देर में, जब तक मैं आगे दिखा देता हूँ। और बाकी तो लैब है ही हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, मैं आगे पीएलसी की लैब आपने बार बार क्या दिखानी दिखा रखी है, सब लगे पड़े, ठीक है। अभी हाँ भैया डाल दिया, अब तो वायरस नहीं आ रहा, ठीक है। तेरे मेरी पेन ड्राइव में वायरस घुसा दो झुंझुना से, बुद्ध चश्मा देना, चश्मा दे, चश्मा कहाँ गो, अरे चश्मा भी ना इस पर साथ नहीं रहा जाता। चलो ले लो। अब जो है ना दूसरा क्या है कि डाल के और मशीन में रन करा दो, और एक काम करो, हाँ एक बार ना ये लैब और दिखा दो सीएनसी वाली, चलो सीएनसी का प्रैक्टिकल देख लो, ले जाऊ पकड़। सीएनसी के प्रैक्टिकल दिखाओ, बोलो बोलते रहो जब तक मैं मशीन को देखूं। ओ जिंजुना से टेसुरा एन टाइम पे फुस करी गो,
अरे सर ये पिन है पढ़ा है ना पढ़ा है सर वो बाइक चलाए दे एरर दिखा रहा है तो जाए छोड़ ना बाइक चला दे इसको डाला फिर इसको दिखा नहीं रहा है वो ये दूसरी पिन ड्राइव में नहीं दिखा चट दिमाग खराब कहाँ है वो प्रोग्राम जो पहला सेव किया था सर इसमें अरे इसमें और वो होगा ना कल होगा हाँ कल नहीं डाला था कल तो सर पेन ड्राइव डायरेक्ट चलाया था उसमें डलता नहीं मेमोरी फुल रही मेरी पेन ड्राइव आराम खोर पेन ड्राइव और ख़राब कर दी दिमाग खराब कौन सा है आ तो गया कोई दिक्कत नहीं पकड़ इसको रन उसको करवा दियो यहाँ तक डालने ठीक है चल बुला ठीक है ना रन उसको करा दा फिर मैं जब तक बात करने लगूँगा ठीक है लाओ कहाँ गए वो लाओ जरा बुलाओ कान के आवाज इस पे आ रही है और ये भी लगा हुआ है देखो पेन ड्राइव लगा देते हैं देखो पेन ड्राइव लगाई ठीक है पेन ड्राइव लगाने के बाद हमारे पास यूएसबी ऑप्शन आ रहा है ये देखो सामने आ रहा है यूएसबी को लगाते ही हमारे पास ये प्रोग्राम्स आ गए ठीक है ना अब इस प्रोग्राम में हमें कोई भी प्रोग्राम चलाना है तो हमारे पास प्रोसीजर है देखो वहाँ दिखाओ प्रोसीजर यूएसबी से प्रोग्राम कैसे लेते हैं ठीक है यूएसबी से लेने का तरीका हम क्या करेंगे जो हमारा तरीका है जो प्रोग्राम हमको लेना है पहले हम यूएसबी लगाई प्रेस यूएसबी सॉफ्ट की दबा दी हमने यूएसबी सॉफ्ट की दबाने के बाद फिर एक कॉपी लिखा है हम इसको कॉपी करेंगे कॉपी करने के बाद फिर हम इसे पेस्ट करेंगे ये कह रहा है एन एरर अकर्ड व्हेन द फाइल डुप्लीकेटिंग फाइल इन द करंट पाथ ये पहले ऑलरेडी फाइल है तो इसीलिए वो शो कर रहा है ठीक है अब मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे ये प्रोग्राम है हमारा वी बार है एग्जीक्यूशन मैंने एग्जीक्यूशन किया अगर मैं एनसी में लेना चाहूँ तो एनसी में ले लूँगा नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से एग्जीक्यूशन हो जाएगा अब यहाँ से ये प्रोग्राम यहाँ पे आ चुका है ठीक है ना अब हम इस प्रोग्राम को ये हमारे पास वर्क पीस है इस वर्क पीस पर रन कराते हैं ठीक है अब इसमें वर्क पीस पर रन कराएंगे तो वर्क पीस पर देखना है प्रोग्राम कैसे चलेगा पाथ दिखा दो इनको चलाओ आगे बढ़ाओ चलाओ इसका पहले आपने बुक हाँ चलो पहले हमें ऑप्शन लेना होता है उसके बाद हम रन कराते हैं इसको ठीक है ना हमारा पहले ऑलरेडी प्रोफाइल था उसी प्रोफाइल को हम क्या कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है ना चलाओ डेप्थ कितनी जा रही है इसकी अब ये रन हो रहा है देना और फिर बढ़ा दो थोड़ी
वो दे मिनट ब्रश दे रहे ठीक है। अब ये हमारा इस तरीके से ये प्रोफाइल को हम आगे बढ़ा के अपना अपग्रेड कर लेंगे ठीक है। आ जाओ तो फ्रेंड्स जिन स्टूडेंटों ने एडमिशन लेना है वो एडमिशन कंफर्म करें। हम इसका प्रोग्राम रन कराना और ये पूरा आपको फाइनली डेल कैम का पूरा बनाना अगली क्लास हम लेंगे कैड से हम कैसे डिजाइन डेवलप करेंगे ठीक है ना। ओके थैंक यू वेरी मच।